बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भले आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में ना हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ममता बनर्जी की पार्टी के साथ राज्य की 12 लोकसभा सीटों को लेकर बातचीत शुरू करना चाहता है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राज्य कमेटी के नेताओं में हुई बैठक में ऐसी 12 सीटों की सूची तैयार की गई है जहां आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीतने की संभावनाएं हैं। अधीर रंजन चौधरी उन सीटों पर वाम मोर्चा के साथ या फिर अकेले लड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का झुकाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। वहीं इन सीटों को लेकर तृणमूल के साथ बातचीत करना चाहता है। इनमें पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बंगाल में जीती 2 सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण के अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा जिले की सीटें मुख्य रूप से शामिल हैं। ये सारी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। दूसरी तरफ तृणमूल पहले ही साफ कर चुकी है कि वो कांग्रेस के लिए 2 से ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से बातचीत का प्रस्ताव देने का कोई लाभ होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। खबर ये भी है कि तृणमूल अगर 12 में 5 से 6 सीटें छोड़ने पर भी तैयार हो जाए तो कांग्रेस गठबंधन के लिए राजी हो सकती है। वहीं 2 सीटों पर अड़िग रहने के बावजूद ममता की पार्टी कांग्रेस का साथ चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर बंगाल में मुस्लिमों का वोट बढ़ सकता है, जिसका लाभ बीजेपी को हो जाएगा। कांग्रेस बंगाल में तृणमूल और माकपा की अगुवाई वाली वाम मोर्चा दोनों के साथ लेकर चलना चाहती है। हालांकि माकपा इसके लिए कतई राजी नहीं है। माकपा के राज्य सचिव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। राजनीतिक विश्लेषक बंगाल में तृणमूल, बीजेपी और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना को भी नहीं नकार रहे हैं। मालूम हो कि कांग्रेस और माकपा दोनों ने दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़ने के बजाय वहां ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के संभावित प्रत्याशी नौशाद सिद्दीकी का समर्थन